हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 से संबंधित है। सन 2020 में जिन भी छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग कराई थी लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, ऐसे छात्र छात्राओं का रिफंड अभी तक रुका हुआ था जो कि सेप्टेम्बर मंथ में आ चुका है। तो ऐसे छात्र छात्रा जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, सिर्फ उनका ही रिफ़ंड आएगा और किसी का रिफ़ंड नहीं आएगा। अगर कॉलेज अलॉट हो गया था, आपने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे केस में आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, सिर्फ उनका रिफ़ंड आएगा जिनको पूल काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनके अकाउंट नंबर गलत हैं और इस तरह की प्रॉब्लम है, नाम गलत है अकाउंट नंबर में, तो इस तरह के केसेस में भी रिफ़ंड आपके अकाउंट में नहीं आया होगा, तो उससे उसके लिए भी कुछ समाधान निकाला गया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिस है ये 17 सितंबर का है, तो जिनके रिफ़ंड आने थे ऑब्वियसली 17 सितंबर को काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो 17 सितंबर का नोटिस है तो आप सभी का रिफ़ंड ऑब्वियसली आ गया होगा। हम इस नोटिस को पूरा देख लेते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन नहीं हो सका था अथवा शुल्क दो बार कट गया था, गलती से उनका शुल्क दो बार कट गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है। कुछ अभ्यर्थियों के बैंक खाते अथवा IFS कोड में त्रुटि होने के कारण उनका शुल्क विश्वविद्यालय वापस आ गया है। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम हुई है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और उनका रिफ़ंड आना था, लेकिन उन्होंने या तो बैंक खाते में कोई गड़बड़ की है या फिर IFSC कोड में कोई गड़बड़ की है या फिर बैंक खाते में जो नाम है जिसका उसमें आपने कुछ गड़बड़ की है, तो इससे रिलेटेड कोई गड़बड़ आपने की है तो फिर आपका जो रिफ़ंड है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में आ चुका है, आपको वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। पात्र अभ्यर्थियों की सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है, तो जिनके रिफ़ंड आने हैं उनकी सूची भी अपलोड कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की मूल एवं छाया प्रति, आपको अपना आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर HDFC बैंक विक्रांत खंड 3 गोमती शाखा, गोमती नगर शाखा लखनऊ से अपना बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करना होगा। तो जिनका बैंक अकाउंट में किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से आया है तो आपको फिर लखनऊ जाकर ही अपना पैसा कलेक्ट करना होगा। आगे देखिए, इसमें सूची अपलोड की गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज रिफंड्स कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, जिनका रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो पाया बैंक अकाउंट की मिस्टेक के कारण। तो देखिए, ये हैं, आप देख लीजिए लिस्ट। अमाउंट लिखा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन भी नंबर लिखा है और आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये सिर्फ उनके नाम है जिनके बैंक अकाउंट में कोई मिस्टेक थी, इन्हीं कैंडिडेट्स को इस एड्रेस पर जाकर अपना बैंक ड्राफ्ट कलेक्ट करना होगा, अपना आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जाना होगा। तो ये लिस्ट, ये देखिए, ये नेक्स्ट लिस्ट है। आप इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस को भी, और ये लिस्ट साथ में मिल जाएगी आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जिनका रिफ़ंड नहीं आया, उनको कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ था, तो उसका रीज़न क्या है। ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, इतनी सारी मिस्टेक्स ऐसी चीज़ों में नहीं करनी चाहिए आपको, जब अपना काउंसलिंग करते हैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से फिल करना चाहिए। अभी जो काउंसलिंग कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए भी यही है कि आप अच्छे से अकाउंट डिटेल्स अपनी फिल करें।
आई थिंक इतने सारे कैंडिडेट्स की ही खाली अकेले मिस्टेक नहीं होगी, कुछ यूनिवर्सिटी की भी मिस्टेक ज़रूर रही होगी इसमें। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है तो आपका जो भी नाम है आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। देखिए ये पूल काउंसलिंग वाले अमाउंट हैं, पूल काउंसलिंग का इतना बड़ा अमाउंट भी रिफ़ंड नहीं हुआ था। ऐसे छात्रों को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए आपको कहा जाता है कि पूल काउंसलिंग को बहुत ध्यान से आप करें। तो ये थे वो सारे कैंडिडेट्स जिनके अकाउंट डिटेल्स मिस्टेक होने की वजह से आपका अमाउंट रिफ़ंड नहीं हो पाया है। तो आपको एड्रेस बता दिया गया, आपको वहीं से अपना ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट कलेक्ट करना होगा। और क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, सिर्फ़ एक आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।